खबर बगहा के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर सीट से पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सीट से चुनाव लड़े प्रवेश मिश्रा इस बार बागी बन निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिए। आज वाल्मीकि नगर सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं पश्चिम चंपारण सीट से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस सीट से मदन मोहन तिवारी ने अपना नामांकन पर्चा भरा। वहीं वाल्मीकि नगर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिनेश अग्रवाल ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद मदन मोहन तिवारी ने बेतिया रमना में एक जनसभा को भी संबोधित किया। मदन मोहन तिवारी के नामांकन में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश कुमार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। पिछले दो चरणों में चुनाव जो संपन्न हुआ है वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। यहाँ भी जनता बदलाव चाहती है, वर्तमान सांसद से उब चुकी है पश्चिमी चंपारण की जनता। वहीं बागी कांग्रेस से निर्दलीय बने प्रवेश मिश्रा ने कहा कि वाल्मीकि नगर सीट पर वाल्मीकि नगर जनता की हकमारी हुई है। पिछले बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर मात्र 22,000 वोट से हार हुई थी। इस बार जनता के साथ अन्याय हुआ है और वाल्मीकि नगर की जनता इस बार बता देगी कि क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत सकते हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रहे मदन मोहन तिवारी ने कहा कि भाजपा की सरकार में महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और पश्चिमी चंपारण की जनता इस बार बदलाव चाहती है। तो भाजपा से बागी बन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे दिनेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले 70 सालों से वाल्मीकि नगर का जो विकास होना चाहिए वह आज तक नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के विकास की गंगा बहाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। सांसद हो या पूर्व सांसद हो, 70 सालों से जो यहाँ पे जो सांसदों की जो जो कार्य किया है और जो दुर्दशा वाल्मीकि नगर जनता भुगत रही है वो वाल्मीकि नगर आज है कहाँ पे? जिस टेक्सटाइल पार्क की बात की गई वो पार्क कहाँ पे है? जिस हॉस्पिटल की बात की गई वो कहाँ पे है? ऐसी तमाम ऐसी दुर्दशा है उसको एक पटरी पर लाने के लिए, वाल्मीकि नगर के उत्थान के लिए मैंने संकल्प लिया है और जो पिछले 19 महीनों से जो काम किया है उसकी जनता ने ठाना है, जिसकी वजह से मैं आज मैदान में आया हूँ। आप संघ और भाजपा से जुड़े रहे हैं, क्या कारण है, क्या चुनाव? मैं कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, कोई आज भी हूँ कार्यकर्ता। क्या एक कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता? मैं अपने वाल्मीकि नगर के सपने को पूरा करने के लिए एक आगे के जो पीढ़ी है उस भविष्य को वर्तमान में तब्दील करने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य किसी रोजगार को एक नया दिशा देने के लिए ऐसे में आया हूँ। स्वयंसेवक अपने मन से कुछ भी कर सकता है और जनता खा लेती है। तो भाजपा तो सब रास्ता है, भाजपा से भी जुड़े हैं। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होता है और स्वयंसेवक का कोई पार्टी नहीं होती, उसकी अंतरात्मा होती है। और वाल्मीकि नगर की जनता के लिए लड़ रहा हूं और वाल्मीकि नगर की जनता की हकमारी हुई है, इसलिए मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूं जिसमें जनता की इच्छा के विरुद्ध दल के लोग जाकर के अपनी राजनीति रोटी सेकने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में जनता को यह समझना पड़ेगा कि उनके हित की रक्षा कौन कर सकता है। किन किन मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में जा रहे हैं? विकास सबसे बड़ी बात है और विकास की मुद्दा अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है कि उसको सुलझाते सुलझाते अब तक इतना बरस बीत चुका है। तो मैं चाहता हूं कि एक पत्रकार बिरादरी का व्यक्ति, प्रोफेशनल व्यक्ति, पिछले बार प्रयास किया था, जनता ने अपार समर्थन किया, दुर्भाग्य से बहुत कम वोट से हार गया था। इस बार जनता का प्यार मिले, समर्थन मिले, वोट मिले, ताकि उस विकास की यात्रा को और जो मैंने अपने लोगों को वादा किया था उसको पूरा कर सकूं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र में कितना समर्थन मिल रहा है? ये तो समय बताएगा कि निर्दलीय प्रत्याशी जीतते भी हैं और ये भ्रम लोगों का टूटेगा। की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित होने जा रही है। कम से कम दो चरणों का जो चुनाव हुआ है सेंट्रल बिहार में और सीमांचल के इलाके में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने जा रही है। यहाँ भी जो स्थिति है, सब लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ भी सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग ऊब गए हैं, जो अभी के वर्तमान सांसद हैं उनसे, उनको भी बदलना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ मदन मोहन तिवारी भारी मतों से जीतेंगे।